अभी आपको बराह रास्त एहतसाब अदालत दिए चलेंगे, जहां पर नून लीगी रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दफा हो गए शहबाज शरीफ साहब को, 133 दिन इससे पहले शहबाज शरीफ साहब कस्टडी में रहे और अब 21 दिन एक भी नया सवालनामा नहीं, एक भी नया सवाल नहीं। 15 दिन जो ये अभी गुजरे, 7 दिन जो अभी गुजरे, 15 मिनट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शहबाज शरीफ साहब के पास आया, 15 मिनट, और उसके बाद एक सवालनामा नहीं दिया। जितनी इंफॉर्मेशन दी वो क्वेश्चनेज जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं, वो तमाम एसेट की तफसीलात जो शहबाज शरीफ साहब खुद जमा करा चुके हैं इलेक्शन कमीशन में और FPR का हिस्सा है, और जितने क्वेश्चनेज आज तक जमा कराए गए वो सब रेफरेंस का हिस्सा है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुकी है, और जितने अभी सवालात कर रहे हैं वो तमाम रेफरेंस का हिस्सा नैब बना चुकी है। तो बात मुख्तसर ये है कि एक बदमाशों का सिलेक्टेड टोला मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जो अपने सियासी मुखालफीन को ऐसे हाथ करके कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं। साफ पानी नैब ने शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दे दिया, इंक्वायरी बंद करने का रेफरेंस दिया। एक रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। ये जो करप्शन और इल्जामात के ढोल बजाते थे, आज पूरे मुल्क में सियासी इंतकाम और एक मस्नूई एहतसाब, जाली एहतसाब का ढोल बज चुका है। पूरी आवाम ने इनके खिलाफ FIR काट चुके हैं, और एक बुजदिल हारा हुआ शख्स जो ये जान चुका है कि आवाम का रद्द अमल आ चुका है। गुजरांवाला के जलसे के बाद ज़हनी कैफियत खो बैठे, होश भागता, कुछ समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। कभी किसी मफरूर के जरिए FIR, कभी किसी कातिल के जरिए FIR, कभी किसी दहशतगर्द के जरिए FIR, नामालूम अफराद।